सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर 1.5 साल की वीडियो में से सबसे अलग टॉपिक है ये, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कुछ इस विषय पे मैं जानूँ। अगर बोलते बोलते टेक्निकली तो देखो यार, मैं कुछ ऐसा गलत बोलता नहीं हूँ, फिर भी अगर कोई ऐसा शब्द निकल जाए तो थोड़ा सा क्षमा करियो यार। फिर भी मैं किसी की देख रेख में ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, अगर होगा तो वो भी टोक देंगे, फिर भी कोशिश करेंगे इस बात को समझने की, इस विषय को समझने की, कहाँ कहाँ हमारे समाज में बुराइयाँ हैं, सरकार में बुराइयाँ हैं। तो मैं आज हूँ भूना, भूना गांव जो कैथल से 35-40 किलोमीटर यार बहुत दूर आके है, लिंक रोड से, लिंक रोड और बहुत अंदर आके। यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं मनीषा महंत जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए सर। मैं एकदम बढ़िया जी। जी मेरे साथ मनीषा महंत जी हैं और डेरा है इनका ये, और शायद हरियाणा के हैं, आवाज़ से तो पहचान ही गए होंगे। आज मैं किन्नर समाज के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। समाज शब्द सही है जी, किन्नर समाज, मुझे या लगता डाउटफुल है, है इसमें? नहीं डाउटफुल तो है ही है, क्योंकि किन्नर को किन्नर समाज कहना कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम नहीं छोड़ पाते, जिन्हें हम किन्नर, क्योंकि सिर्फ एक जेंडर है, वो समाज हम उसे कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, है ना, और उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनकी या तो पहचान भी नहीं होती आधे लोगों की। तो किन्नर सिर्फ एक जेंडर है, जेंडर से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको समाज कहना मुझे लगता है कि ये गलत गलत रहेगा। है तो भाई समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, बनिया समाज, वो समाज वो समाज, क्योंकि वो उसी से निकल के आए हैं, और ये समाज यहाँ से नहीं निकलता, हमारे घरों में से, अलग अलग धर्मों में से, अलग अलग जातियों में से, कहीं से भी निकल सकता है। पहली बात तो ये, इसलिए इसको समाज ना बोले, पहली बात। दूसरा कंसेप्ट जी, जो हमारे साथ मनीषा जी बैठे हैं, ये एक इतिहासकार हैं, और मेरे सर्कल, मतलब मेरे नॉलेज में आज तक मैंने कभी ऐसा कोई देखा नहीं कि किन्नर कोई पढ़ा लिखा हो। वैसे होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अभी तक नॉन में नहीं आया कि कोई किन्नर इतना पढ़ा लिखा है। इतिहासकार, इतिहासकार हैं जी आप? इतिहासकार तो मैं खुद को नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि साहित्यकार। मैं साहित्यकार के साथ साथ एक बेहतर जानकार भी हूँ, बहुत सारे अलग अलग विषयों पे, अलग अलग चीज़ों पे, चाहे वो राजनीति से लेकर के हो, नारी विमर्श से लेकर के हो, या किन्नर विमर्श से लेकर के हो, या देश दुनिया की तकरीबन जितनी जानकारियाँ हैं उनमें से आधी तो कम से कम मैं रखती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है इन्हें, खुद से नहीं आई, पढ़ा है। और तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ भाई, थोड़े से क्वेश्चन अजीब भी होंगे, हो सकता है वो ये कहे कि ऐसा गलत बोल रहा है, गलत नहीं, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बातें पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा इसीलिए अजीब सा लगता है क्योंकि हम इनके साथ मिलके नहीं रहते, और जब मिलके नहीं रहते तो वहाँ पर थोड़ा सा ऊंच नीच देखते हैं हम, वो बात समझते हैं हम। तो मैं पहला ही क्वेश्चन ये है कि जी जो किन्नर शब्द है, इससे पहले हम हिजड़ा शब्द बोलते थे, वो हिजड़ा शब्द क्यों गलत है, उसका मतलब क्या है? नहीं, हिजड़ा शब्द गलत नहीं है। जी हिजड़ा शब्द अरबी भाषा से निकल के आता है। हिजड़ा शब्द जो है वो हिजर से निकला है, हिजर से निकला है, जिसका अर्थ होता पवित्र। तो हिजड़ा कहना गलत नहीं है, लेकिन समय के साथ ये रूढ़िवादी हो चुका है, और कोई भी प्रथा या सोच अगर रूढ़िवादी हो जाए, या शब्द भी अगर कहे, तो उसे त्याग दे तो ज़्यादा बेहतर है। और रही बात किन्नर शब्द की, किन्नर शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के किम प्लस नर से बनता है। किम प्लस नर यानी कि ऐसा नर जो पूरन नहीं है, इसमें महिला भी शामिल हो सकती है, किन्नरी जिसे कहा जाता है। ओके 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 बहुत सारी जानकारी लेंगे भाई, आज हम खुल के बात करेंगे, हर विषय पे बात करेंगे, और क्योंकि हमें ये बात समझनी होगी कि जो किन्नर है उसके बारे में समाज में क्या क्या चीज़ें चली आ रही हैं, क्या हमें नहीं पता, और क्या क्या हम अब तक गलत सोचे बैठे हैं। दूसरा प्रश्न जी मेरा ये, माफ़ करना कुछ अगर कुछ किन्नर इसको देख रहे हैं तो, लेकिन मैं जानना ये ज़रूरी है, अभी तक मैं और मेरा समाज बहुत सारे उस बात को गलत सोचते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है जी, अक्सर हम ये सोचते हैं, हमें ये सुनने में आता है कि जब
किन्नर की मृत्यु होती है जी, तो रात को उसको पीटते हुए ले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक दंत कथा, एक धारणा है। जितने भी वीवर्स देख रहे हैं, ये अपने अपने जो इनके गांव में किन्नर रहते हैं या शहरों में रहते हैं, जब वो किन्नरों के पड़ोस में जाकर के किसी से भी पूछ सकते हैं क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसके फैमिली मेंबर्स भी आते हैं, और कोई फैमिली मेंबर्स ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मेरे भाई को मेरी बहन को कोई चप्पलों से पीटे। किन्नरों का तो बाइज्जत साधु संतों की तरह अंतिम संस्कार किया जाता है, या तो आग के हवाले किया जाता है या मिट्टी में दफनाया जाता है। दोनों अलग क्यों बातें, या दोनों दफनाओ या नहीं जी? वो इसलिए क्योंकि अगर आप मोमडन हैं तो जाहिर सी बात है आपको मिट्टी दी जाएगी ना, और अगर आप हिंदू हैं तो जाहिर सी बात है आपका वैदिक रीति रिवाज से संस्कार होगा, ये नॉर्मल सी है। ओके, ओके। फिर से वही बात आ गई, किन्नर समाज पे चला गया मैं, लेकिन समाज नहीं, क्योंकि किन्नर किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, तो उसको वही चीज़ मिलेगी जिंदगी भर ताउम्र, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। जो हम अब तक दूसरी बात सोचते आए थे किन्नरों को रात को मृत्यु के बाद पीटते हुए लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है, गलत है वो प्रथा। तीसरा प्रश्न जी, मनीषा जी एक बात बताओ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे बोलने में, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, किन्नर जो है महिला भी है पुरुष भी है जी, क्या उनकी अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होती है? मतलब हम कॉलेज में होते हैं, मैं लड़का हूँ, लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, वो भावनाएं आपके मन में या मेल किन्नर के मन में ऐसा कुछ होता है? किन्नर जो है वो सिर्फ एक जेंडर है, भावनाएं अलग नहीं है, जेंडर अलग है, भावनाएं वही हैं। मैं किसी पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकती हूँ, कोई पुरुष मेरी तरफ आकर्षित हो सकता है, या अगर वो मेल किन्नर है तो वो किसी महिला की तरफ आकर्षित हो सकता है, क्योंकि आकर्षण दो आत्माओं का होता है, जेंडर का कभी नहीं होता। हम सबसे पहले जब किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो हम जो उसके जो ये कह ले जो ऑर्गन है उसकी बॉडी के, उन्हें नहीं देखते हम, सबसे पहले उसकी चेहरे को, उसके कपड़े पहनने को, उसके स्टाइल को, इन चीज़ों को देखते हैं। तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना नॉर्मल है, ये प्रकृति का नियम है। ओके, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, मैं नहीं समझती। ओके, ओके, ये सच है। चौथा प्रश्न भाई, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो बड़ी जिज्ञासा है समाज को भी जानने की और मेरी भी। चौथा प्रश्न ये है जी, जब एक आप घर में रहते हैं जी, क्या सभी घर में किन्नर ही रहते हैं, या आपके साथ कोई नॉर्मल मतलब एक और कोई व्यक्ति भी रहता है? नहीं, मैं रहती हूँ, मेरी एक चेला रहती है, दो बेटियाँ मैंने अडॉप्ट कर रखी हैं जो नॉर्मल गर्ल हैं, जो बेटियाँ हैं नॉर्मल गर्ल, वो मैंने अडॉप्ट कर रखी हैं, वो भी हमारे साथ रहती हैं, और वो मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करती हैं जो एक आम बच्चा अपनी माँ के साथ करता है। क्योंकि मेरे बच्चे को कभी लगता ही नहीं है कि मैं किन्नर हूँ, मेरे बच्चे के लिए सिर्फ मैं माँ हूँ, उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता। अभी उसकी समझ में ये किन्नर हिजड़ा मर्द औरत जैसा जहर नहीं है। जहर मानते हैं आप इसको? मैं इसे जहर मानती हूँ, क्योंकि देखिए एक सोसाइटी को 200 सालों से मानसिक गुलाम बना करके समाज से निकाल दिया गया, कहाँ तो अगर वो किसी जमींदार का बच्चा है, कहाँ तो वो बा सम्मान खेती करता, किसान बनता, समाज को अनाज उगा करके देता, देश की सेवा करता, और आज वो जमींदार का जो बच्चा है, मैं किसी भी जाति का नाम नहीं लूँगी, और वो लोगों के घरों के आगे जा करके ताली बजा के बधाई मांग रहा है। एक बच्चा जो करीबन 6 फुट का है, अगर उसे अच्छा मौका दिया जाता तो शायद वो आर्मी में होता, देश की सेवा कर रहा होता। और जबकि किन्नरों का तो मतलब कि पूरा इतिहास है, किन्नर तो मुगल काल तो पूरा भरा पड़ा है। मुगल काल में तो किन्नर आर्मी में ही होते थे, ज़्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसियों में होते थे, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती थी, सेनापति सैनिक ये पद किन्नरों के पास होते थे, क्योंकि जो मुगल राजा थे वो मानते थे कि इन चीज़ों को ये बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। योग्यता किन्नरों में उतनी ही है जितनी आज के आम लोगों में है, लेकिन मौका नहीं है, मौका सबसे बड़ी चीज़ होती है।
मौका सरकार ने नहीं दिया, मौका समाज ने नहीं दिया, मौका का ठीकरा किस पे फोड़ना चाहेंगे? मैं मौके का ठीकरा सबसे पहले तो सरकार पे फोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि सरकार जो है हमारे देश में, जो भी सरकार है वो पिछली चली गई, वो भी आ गई, और जो है अब जो है वो भी, ये सब ब्रिटिश कानून को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मतलब ब्रिटिश कानून, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि 18 सेंचुरी के बने हुए कानून भरे पड़े हैं संविधान में। अंग्रेजों ने गलत किया आपके साथ? नहीं, हमारे साथ गलत नहीं किया, हमने वफादारी की है, उसका सिला दिया उन्होंने। हमने जब हम राजाओं के दरबार में हम सेनापति थे, हम इंटेलिजेंस एजेंसियां चलाते थे, हम गुप्तचर थे राजाओं के, हम ब्रिटिश आर्मी की जानकारियां उनको देते थे, तो उन्होंने जो एक दोषी के साथ होता है ब्रिटिशर्स ने वही किया। तो आप इसे वतन प्रस्ती नहीं कहेंगे, देश के लिए कुर्बानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो हम क्यों ना कहें कि किन्नरों ने इस देश के लिए योगदान दिया है, इस मिट्टी के लिए बलिदान। किन्नरों में राजा भी हुए हैं क्या? बहुत सारे, बहुत सारे। साउथ इंडिया भरा पड़ा है राजाओं से, पूरी दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है। मैंने बताया ना आपको, जो मिस्र के अंदर थी वो मैडम, क्या नाम था उनका, वो हाँ क्लियोपेत्रा, पोथेनस जो उसका सलाहकार था, जो क्लियोपेत्रा थी वो एक नॉर्मल महिला थी, सिर्फ एक महिला, और उसने, पोथेनस ने उसे सलाह दी कि ये जो मौजूदा राजा है ये किसी और से शादी करेगा और फिर कोई और रानी बनेगी, इससे बेहतर है कि तू इससे शादी कर ले, क्योंकि उस टाइम में भाई से शादी करना कोई ताज्जुब की बात नहीं होती थी। तो उसने, क्लियोपेत्रा ने अपने, उसकी पोथेनस यानी कि जो किन्नर था, उसकी सलाह पे अपने भाई से शादी कर ली। शादी करने के बाद उसे मर्डर करवा दिया और वो रानी बन गई, तानाशाह हो गई। तो इतनी बारीकी राजनीति जो थी किन्नर समाज वो जानता था। इतने आप योद्धाओं में काउंट होते हैं, इतना आपने इंटेलिजेंसी का काम किया। अगर मैं योद्धाओं की बात करूं तो हमारे रेवाड़ी के किन्नरों का इतिहास रहा है। 18 सेंचुरी में जब अंग्रेजों के साथ विद्रोह हुआ था तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि रेवाड़ी के किन्नरों ने अपने पूरे बदन पे कालिख पोत करके, जो तोप होती है ना, उनके आगे बैठ गए थे, तोपों से उड़ा दिया अंग्रेजों ने। आप में इतनी ताकत, इतनी समझदारी, इंटेलिजेंसी में काम किया, बहादुरी से काम किया, लेकिन आज समाज में ये सुनने को आता है कि किन्नर जो है सबसे ज्यादा बद्दुआ देता है, ये भ्रांति सच्ची है कि झूठी है? इस बारे में क्या कहेंगे? दुआ और बद्दुआ जैसी कोई चीज नहीं, डर लगता है कभी बद्दुआ ना दे दिए। नहीं, देखिए, दुआ और बद्दुआ हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। असल में तो दुआ और बद्दुआ शब्द अपना है ही नहीं है, ये उर्दू भाषा का शब्द है। वैसे तो उर्दू भाषा भी हमारी है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को पहाड़, नदी, नमक की खान, सोने की खान और दूसरे रिसोर्सेस बांट के दे दिए, लेकिन हमने जुबान नहीं बांटी, जुबान उन्होंने हमसे चुराई है। तो उर्दू खालिस भारतीय जुबान है, यहाँ की भाषा है वो। तो दुआ और बद्दुआ ये उर्दू के शब्द हैं, और दुआ बद्दुआ किन्नर किसी को नहीं देते हैं, ये सिर्फ एक भ्रम है। किसी एक आद के साथ झगड़ा हो गया होगा और उसको कुछ कहा होगा और उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, तो वही फिर वहाँ से उड़ती 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 ये पूरा फैल गई, ये दंत कथाओं में फैल गई, वो मतलब कि बना दिया कि एक उड़ने वाला हाथी था वो, ऐसा ही बिल्कुल। समाज किस नजरिए से आपको देखता है? आपने केला कभी समाज हमने नू देखा है? मैं तो समाज ने नहीं कहूँगी कि भैया थम माना कुछ ना समझो, सिर्फ इंसान ही समझ लो, इतना बेहतर है। कम से कम एक जो इंसान का जो सम्मान हुआ ना, वो सम्मान ही दे दो, उससे ज़्यादा इंसानों से तो, जो आम इंसान है उनसे तो माना सिर्फ सम्मान चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और रही बात बधाई मांगने की, तो जब तक गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी नहीं लाती, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं लाती इनकी नौकरी के लिए। लेकिन आपके लोग मतलब किन्नर जो पढ़ते तो नहीं है ना, इसका कारण क्या है? अब एक चीज बताइए आप, मैं आपको बताती हूँ। कोलकाता के अंदर हमारी एक किन्नर ने जबरदस्ती पढ़ करके वो प्रिंसिपल बन गई, प्रिंसिपल बन गई। मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, उनका नाम नहीं लूंगी, तो आपको बाद में बताती हूँ। वो प्रिंसिपल बन गई, प्रिंसिपल बन गई, तो बाकायदा उन्होंने एक साल तक पूरे कॉलेज को हैंडल किया।
उन्हीं के स्टाफ ने, जो उनसे जूनियर थे, वो स्टूडेंट ने उनको मानसिक तौर पे इतने परेशान किया कि उन्होंने प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया। तो किन्नरों को ऐसा लगता है कि पढ़ लिख के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो पढ़ाई लिखाई में टाइम खराब करने से बेहतर है कि कमाओ खाओ अपना पेट भरो, यही तुम्हारा भविष्य है। सिर्फ बधाई मांगना एक प्रोफेशन पक्का बना लिया, बना नहीं लिया, बना दिया गया। अगर शुरू से ही इन लोगों को अच्छी एजुकेशन के लिए, इनके लिए पॉलिसीज लगाई जाती, बनाई जाती, अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाता, इन्हें बराबर का मौका दिया जाता, तो मुझे लगता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्व सीटें होती, इन्हें ले जा करके भर्ती किया जाता, स्कॉलरशिप इन्हें अगर दी जाती, तो ये पढ़ते और पढ़ करके ये आज कहीं किसी अच्छी पोस्ट पे होते। आपने ग्रेजुएशन की जी, आप स्कूल कॉलेजेस में गए जी, आपको एडमिशन मिल गया? मिला। तो लेकिन एज ए महिला, एज ए महिला, एज ए ट्रांसजेंडर नहीं, वो मेरे सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं है, वो कूड़े के ढेर में रखे हैं एक तरह से। सिर्फ एक खाम खा यहाँ पर दिमागी ग्रंथि, बस ये है कि मैं खुद को एजुकेटेड मानती हूँ, खुद को एजुकेटेड मानती हूँ, और बस दूसरों को चार बातें ज्ञान की पेल देती हूँ और सामने वाला मेरी बातें सुन करके इम्प्रेस हो जाता है, बस इतना ही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चार दिन से करीबन पाँच दिन से मैं लगातार, मैंने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, मैंने उन्हें ट्वीट किए, कोई रिप्लाई नहीं आया, एक का भी रिप्लाई नहीं आया। हाँ, वो पढ़े हैं आपके ट्वीट, पढ़े ना अपने ट्वीट, वो किनका रिप्लाई दे रहे हैं, फलां जगह पे राशन नहीं था जी, हमने राशन पहुंचा दिया, 5 किलो आटा, आधा किलो दाल, आटा भी कहां की वहां पहुंचाई होगी, जो भी है। तो ये हमारे जो नेता हैं, जो हमारे सत्ता में बैठे हैं, जो शासन को चला रहे हैं, और आम पब्लिक जो है वो 5 किलो आटे को, आधा किलो दाल को विकास समझते हैं। आप वोटिंग करते हैं? बिल्कुल। राशन कार्ड है आपका? पहले महिला बन के वोट डालती थी, जब से थर्ड जेंडर का ऑप्शन आया तब से थर्ड जेंडर बन के, राशन कार्ड भी है। MP, MLA सबकी वोटिंग के, जो सरपंच है सबकी वोटिंग करते हैं? हाँ, मैं हर बार वोट तो मैं डालती हूँ, वोट को मैं नज़रअंदाज नहीं करती। तो इस बात में एक बात समझ में आई मेरे, ये एक सरकार बनाने के सहायक तो हैं, वोटिंग का तो अधिकार है, राशन कार्ड का इनका अधिकार है, जब नौकरी का ही अधिकार नहीं है तो वोटिंग का क्या करेंगे? राशन कार्ड ना धर के चाट लो, कमाई का सोर्स ही इनके पास नहीं छोड़ा तो फिर फायदा क्या, वोट क्यों ले रही है सरकार, है ना? क्यों राशन कार्ड बनाया है, क्या जरूरत है? राशन कार्ड कहां से, अन्न कहां से आएगा, वहां पे भी 1-2 रुपया देना पड़ा। इनकम ऑफ सोर्स के लिए सरकार ने क्या सोचा इनका? वैसे इनकम ऑफ सोर्स के लिए सरकार ने कुछ सोचा आपके बारे में? सरकार की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कागजों में सरकार ने पॉलिसीज बहुत बना रखी हैं, लेकिन जमीन पे आते आते वो जीरो हो जाती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने गवर्नमेंट को, मैं बता रही हूँ, मैं श्री मनोहर लाल खट्टर, मैं श्री लगाऊंगी भैया, सम्मानित लोग हैं, तो मैं खुद उनके ऑफिस में जा कर के उनसे मिल चुकी हूँ। मैंने उन्हें कहा कि सर, किन्नर समाज के लिए ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हम उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, हम उन्हें जो, मतलब कि एक जब वोट डालने का अधिकार है तो मूलभूत योजनाएं जो हैं आप अलग से मत दीजिए, नॉर्मल योजनाओं का तो लाभ मिलना चाहिए ना। नॉर्मल नहीं है कुछ भी, किस योजना का लाभ मिलता है? हरियाणा ग्रामीण बैंक से हमें लोन नहीं मिलता, या सरकारी बैंक, लिमिटेड बैंक कोई भी हो, उससे हमें कोई लोन नहीं मिलता। नहीं देते ना, क्योंकि आप चुका नहीं पाओगे किस्त, सरकार ने नौकरी नहीं दी। ठीक है, ये मान लिया कारण है। दूसरा, जनधन योजना के लिए कुछ नहीं है, सबके बनाए, हमारे सिर्फ हमें हमारे अकाउंट नहीं बने। फिर दूसरा, ग्रामीण आवास योजना, अब मकान तो लेके हम भाग नहीं ना जाएंगे, जब हम पीढ़ियों से यहाँ पे रहते हैं तो मकान तो लेके भाग नहीं जाएंगे। ग्रामीण आवास योजना का हमें कोई फायदा नहीं मिला, 100-100 गज के प्लाट सबको बांटे गए, सबको बांटे गए, लेकिन किन्नरों को नहीं दिए गए। और तो और, जो प्रोत्साहन राशि अभी पता नहीं भैया 500 दे रही है गवर्नमेंट, क्या 1000 दे रही है कोरोना फंड को लेकर के, वो भी हमारे अकाउंट में नहीं आई। और जबकि हमने, मैंने खुद ने, हमने लाखों रुपए की चैरिटी की है इस टाइम पे, सूखा राशन। हाँ, वीडियो पड़ी है किसी चैनल पे, आप उस पे देख लेना, लाखों रुपए का हमने राशन बांटा, हमने
मास्क बांटे, हमने सैनिटाइजर बांटे। मास्क तो शायद मेरे पास सब भी पड़े होंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो भाई ये हैं पढ़े लिखे, हर चीज का इनको ज्ञान है, इतिहास की पूरी नॉलेज है। ये देखिए, ये पूरा मास्क और सैनिटाइजर बचे पड़े हैं। ये सैनिटाइजर है और ये मास्क वगैरह ये सब बचे पड़े हैं। ये देखिए, हमने हमने खुल करके चैरिटी की है, हमने खुल करके लोगों की मदद की, लेकिन हमारी मदद के टाइम पे कोई आगे नहीं आया। खैर, आम लोगों से तो हम उम्मीद नहीं करते क्योंकि उनके खुद के हालात अच्छे नहीं है। मेरी उम्मीद उनसे है जो लाख करोड़ों का बजट बता रहे हैं कि हम दे रहे हैं कोरोना फंड के लिए, वादा करके गए हैं वोट मांगते टाइम। तो हमने बहुत चैरिटी की और बहुत बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हर बार योजनाएं बनती हैं वो तो वो महिला और पुरुष तक सीमित रह जाती हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि भैया यहाँ पे एक तृतीय प्रकृति भी है, और वो तृतीय प्रकृति आसमान से नहीं आई, उसे भी महिला ने जन्म दिया है, वो भी पुरुष के स्पर्म से बने हैं, वो अलग से नहीं आए हैं। ये हमें एक सरकार ने थर्ड जेंडर का बनाया तो है आपके लिए बनाया वैसे तो। असल में तो ये भी एक विवादित मुद्दा है, थर्ड जेंडर आपने डिक्लेयर कर दिया मुझे थर्ड जेंडर। मैं नहीं मानती खुद को थर्ड जेंडर, मैं कहती हूँ कि मैं पूर्ण महिला हूँ, मैं अपने आप को महिला मानती हूँ, मैं नहीं थर्ड जेंडर कहलवाना चाहती। मुझे जबरदस्ती महिला कैसे मान सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझिए ना। मैंने आपको बताया ना कि जेंडर कहाँ से निर्धारित होता है, यहाँ से। जेंडर ऑर्गन से डिसाइड नहीं होता जेंडर। जब एक अच्छी भली औरत मर्द हो सकती है लेस्बियन टाइप में, तो मैं किन्नर होकर के औरत क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं आत्मिक रूप से औरत हूँ, मेरे अंदर वो भावनाएं हैं जो एक औरत के अंदर होती हैं। मैं औरतों की हर चीज औरत वाली है मेरे अंदर, सिर्फ एक जेंडर में अंतर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जेंडर यहाँ से डिसाइड होता है, लड़की को बताया जाता है बचपन से कि तुमने झाड़ू पोछा करना है, लड़के को बताया जाता है तुम बाहर डैडी के साथ घूमने जाओ, लड़की को कहा जाएगा तुम अंदर रहो, तुम बाहर नहीं जा सकती। जेंडर हम बताते हैं बच्चों को कि लड़का क्या कर सकता है और लड़की क्या कर सकती है। सरकार ने जब ये थर्ड जेंडर का नियम बनाया, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तो कहीं आपसे इस बारे में पूछताछ हुई, कोई ऐसा सर्वे हुआ कि आपको थर्ड जेंडर में? मैं बता तो रही कि हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हुक्मरान हैं, हुकूमत में ऐसे लोग बैठे हैं जो कुछ भी नशे में कानून बना देते हैं। भैया हम गाय भैंस नहीं है जिनके लिए आप चुपचाप कानून बना दोगे। हम बोलना जानते हैं, हम कहना जानते हैं, हम रोना जानते हैं, हमें पता है हमें क्या ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमसे पूछिए उसके बाद कानून बनाइए। आपने जानवरों की तरह बैठ करके कहीं पे कानून बना दिया और उसे पारित कर दिया और हमें पता भी नहीं है कि हमारे लिए कोई कानून भी बना है, तो उसका फ़ायदा और नुकसान कैसे होगा हमें? जब जिसके लिए कानून बना है जब उसे ही नहीं पता कि कानून क्या है और क्या बना है, तो वो उसका फायदा क्या उठाएगा और उससे नुकसान की कहां तक झेलेगा? ये चीजें गवर्नमेंट को समझनी होंगी। भाषाएं कितनी आती हैं? भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हल्की गुजराती, अवधी, बर्जी और मराठी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ का तमिल भाषा जो है, तमिल मेरी मातृभाषा है, पुरखों से चली आ रही है, मतलब कि अभी नहीं, पुरखों से चली आ रही है। और पंजाबी इस इलाके में आने के बाद मैंने सीखी, स्कूल में भी पंजाबी पढ़ी और हरियाणवी भी बोल ली मैं जब लोगों में जावा। हरियाणवी क्योंकि कम बोलना, जब आम लोगों में हुआ जब हरियाणवी बोलना, नहीं तो आमतौर पर हिंदी में ही बात करा। इबगाम का टक्कर गया, चाचा राम राम, बस वहीं तक है हरियाणवी, क्योंकि हरियाणवी भाषा का विकास नहीं ना होया। हरियाणवी भाषा को जो है सम्मान की भाषा नहीं बनाया लोगों ने, उसमें तू तड़ांग जैसे शब्द डाल के ना इसका सत्यानाश कर दिया। अगर हरियाणवी भाषा बोलो और उसमें आप शब्द का इस्तेमाल करो तो देखो कितनी बढ़िया लगेगी, लेकिन तू तड़ांग डाल का तू कित गया था, तू की जगह आप बोल दें
तो कितना बढ़िया लगेगा हरियाणा थे, मजा नहीं, फीलिंग नहीं आई तो। ना 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 थम की तो गए रहे, थम हो सकता है लेकिन तू नहीं हो सकता, तू शब्द जो है आपको पता है थोड़ा सा ये चीप लगता है, हाँ इसमें आत्म सम्मान नहीं झलकता, आत्म सम्मान नजर नहीं आता तू में, तू शब्द जो है वो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए बोला जाता है। मेरे को एक बात समझ में आई थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, मैंने सोचा आपकी बद्दुआ प्रभावशाली शायद इसलिए हो सकती है शायद क्योंकि समाज आपको एक अच्छे से सेंस में नहीं देखता तो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, ऐसा कुछ है। बद्दुआ जो है, दुआ बद्दुआ जो है ये हमारे अंदर की एनर्जी होती है, वो आपके अंदर भी है, तो सबके अंदर नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर होती है। नेगेटिव एनर्जी जब मेरे समाज सारा दिन आपको थोड़ा सा अजीब सी निगाह से देखा तो नेगेटिविटी बढ़ेगी ना। नेगेटिविटी मेरी अकेली के अंदर नहीं, हर उस इंसान पशु पक्षी के अंदर है जो हाशिए पे खड़ा है। अगर एक तोते को पिंजरे में ताउम्र आप रखोगे, आप उससे मिट्ठू जरूर बुलवा लोगे लेकिन आप उससे दुआ नहीं पा सकते, वो आपको बद्दुआ ही देगा। उसके अंदर जो अकेलापन और जो निराशा जो है वो बद्दुआ के रूप में, निराशा के रूप में, गालियों के रूप में बाहर निकलेगी। वो आपको खुश करने के लिए मिट्ठू बोल सकता है। तो किन्नर समाज में भी ऐसा ही है, बचपन से अकेलापन, निराशा, लोगों के ताने, सिर्फ पेट भरने के लिए सुबह निकलना, शाम को घर आना, तो इन चीज़ों की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है वही दुआ और बद्दुआ में डिवाइड हो जाती है। आदमी को देख करके अगर उसने अच्छा व्यवहार किया तो दिल से दुआ निकलेगी, भैया मालिक तेरा भला करे, लेकिन अगर किसी ने बुरा व्यवहार किया, हाँ लेकिन मैं कहूँगी कि अगर बधाई के लिए बद्दुआ दी जाए कि मैंने इतने मांगे थे और इसने इतने नहीं दिए इसलिए मैं इसको बद्दुआ दे रही हूँ, तो वो बद्दुआ नहीं है। हाँ मतलब अगर आपके साथ किसी ने नजायज किया तब आप बद्दुआ दे सकते हो, बधाई के लिए दी गई बद्दुआ बद्दुआ नहीं होती, वो तो लालच हुआ ना। एक अजीब सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ थोड़ा सा। अक्सर मैंने कई बार देखा है किन्नरों की जब वीडियो आती है तो बहुत जल्दी वो कपड़े उतारने पे लागू हो जाती है, ऐसा क्यों? असल में पता क्या चीज है, कपड़े उतारने पे वो किन्नर आमादा हो जाते हैं जो शायद समाज में नहीं रहते। मैं गांव में रहती हूँ, आपने देखा, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपनी चुन्नी भी उतार दूं अपने सिर से, क्योंकि मुझे पता है यही बात मैंने नोट की, यही बात एकदम दिमाग में आई, क्योंकि अगर आप इसको डिनाई करते तो फिर लगता भी आप चुन्नी उड़े हुए, ये मेरा नेक्स्ट प्रश्न था, लेकिन आपने इस बात को समझा रहे सही है। वो लोग जो कपड़े उतार देते ना असल में वो समाज में रहते नहीं है, उन्हें पता किन्नर का पार्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल किन्नर एक पवित्र चीज है, किन्नर एक पवित्र चीज है। हिजर शब्द किम राजा इल से जिनकी उत्पत्ति हुई, किन्नर जो है वो पवित्र है, वो अर्धनारीश्वर का रूप है। जो अपने लालच में कपड़े उतार करके नंगे हो जाएं वो पवित्र नहीं हो सकते, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेंगे। और जाहिर सी बात है जब हम कहते हैं ना समुदाय या किन्नर समाज, तो जब समाज शब्द का जिक्र आता है ना तो जाहिर सी बात है उसमें अच्छे बुरे लोगों का होना स्वाभाविक है। अच्छा एक प्रश्न ये भी है, बहुत बार हम देखते हैं जी, जब कहीं आप जिस गली से गुजरो तो लोग आपको अजीब सी निगाह से देखते हैं, तो आप आगे चल के सोचते हो देखिए यार इसने मेरी तरफ ऐसा देखा, ये नॉर्मल हो चुकी है अभी ये बातें? वैसे मैं सच बताऊँ ना, मैं तकरीबन जितने गांव में बधाई लेने जाती हूँ ना, मुझे कभी किसी ने देखा ही नहीं इस नजरों से, मुझे तो कम से कम नहीं देखा, दूसरों को ऐसा इसलिए भी तो हो सकता है ना क्योंकि आप समाज में रहे, आप पढ़े हैं, कॉलेज में गए हैं, स्कूल में गए, आपने वो चीज फेस कर ली, हो सकता है आपका माइंड डेवलप हो चुका है, इन बातों पे फर्क नहीं पड़ता, आप सेट हो चुके हैं। होता है किन्नरों के साथ ऐसा, असल में किन्नर एक ऐसी चीज है जिसे लोग हर रोज देखते हैं लेकिन फिर भी वो उसे ऐसे उतनी ही दूसरी बार भी वो उसे उसी तरीके से देखते हैं जैसे पहली बार देखा था। वो सोचते हैं कि भैया ये एलियन टाइप के हैं, ये कैसे होते हैं, ये थोड़ा ये लोगों की मानसिकता है, धीरे धीरे बदल जाएगी। तो मुझे लगता है कि समाज जैसे जैसे डेवलप होगा, एजुकेटेड होगा,
तो हो जाएगा। असली किन्नर और नकली किन्नर में फर्क कहाँ होता है? क्योंकि कई बार मैं वीडियो देखता हूँ, भाई आप वो नकली किन्नर आते हैं, असली हूँ मैं, आपको मेरे को बधाई दे, इस टाइप की मैं वीडियो देखता हूँ, उस बारे में आपका क्या कहना है? असली किन्नर नकली किन्नर का झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, ये ताउम्र चलता रहेगा। और ये समझ लीजिए कि ये किन्नर समाज का एक वो बिम को पता नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, जो बिम होता है ना, जिसके ऊपर पूरा ये वो, ये नकली किन्नर टाइप के लोग वो हैं। ये सिर्फ किन्नर समाज में नहीं है, ये फ्रॉड है और ये हर जगह मौजूद है। कहीं पे ये LIC के एजेंट होते हैं, तो कहीं पे ये आपको फ़ोन के जरिए लोन दे रही होती हैं, तो ये सब जगह मौजूद है। बच्चे को गोद में लेके भीख मांग रहे होते हैं, हाँ, तो ये सब टांग उठा के लंगड़ा के चलते हुए, हाँ, तो ये लोग ताउम्र रहेंगे जब तक बेरोजगारी रहेगी, ये हमें समझना होगा। मैंने एक बार की बात है, आज से करीबन 5 साल पहले मैं गांव में बधाई लेने के लिए घुसी ही थी कि मुझे दुकानदार ने टोका कि माई जी ठीक हो, मैं कहा जी ठीक है, नौका आप नौका पीछा तय अपने चिल्ले अपना तोड़ी बेच दिए, मुख मेरे चिल्ले कदमे न बन गए, मेरे चिल्ले कौन नौका जी आपके चिल्ले फलाना ओका जा रहे हैं बधाई लेना, मख अच्छा मखन यू कर, मखा 5-7 छोरो ना बला और मखोरी खड़ा कर ले, मखा मैं ओड़ा बैठी हूँ और मखा जब मैं आवाज मारूंगी ना मखा भेज दिए। मैंने उन लोगों से जाके मैंने उन सॉरी हरियाणवी आ गई मैंने जाके उन लोगों को मौके पे पकड़ा और मैंने पाया कि वो कैथल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के स्टूडेंट थे। उनकी पिटाई विटाई भी कर देते हो आप? मैंने तो नहीं पिटा, गांव वालों पर तो पिटवा दिया, मेरा तो हाथ हल्का सा है थोड़ा, मेरे में हिम्मत हाथ हल्का, आवाज भारी है। आवाज का भारी होना ये कुदरत की देन है, इसे हम हल्का, मैं इसको क्रिएट करते हो आप भाई, ऐसा बोलना, ऐसा बोल के फिर नेचुरल हो जाना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जब बचपन से क्या होता है कि बचपन से हम जैसे जब छोटे होते हैं तो हम बचपन से गाना शुरू करते हैं बेसुरा, बचपन में तो बेसुरा ही होता है ना, बचपन में सुर नहीं लगते, तो बचपन से गा गा के ऊंचा बोल बोल के लोगों के साथ दिन रात, वो कहते हैं कुत्ते की तरह भौंक भौंक के, तो जाहिर सी बात है कि कुदरत ने हमें जैसा बनाया है ना, हम वैसे ही रहेंगे, हम खुद में कितने ही चेंजेस कर लें, क्योंकि प्रकृति सबसे महान है, हम सब प्रकृति से नीचे हैं। किन्नरों का कोई एरिया भी होता है भाई, उस एरिया में मैं बधाई लेने जाऊंगी, उसमें कोई और नहीं घुसेगा, उस एरिया में मैं जाऊंगी और कोई नहीं घुसेगा, इस तरह से? एरिया किन्नरों का नहीं, एरिया हर किसी का होता है, एरिया पुलिस का भी होता है। हाँ, वो अलग है, लेकिन बधाई का जो एक आपका सिस्टम है, हाँ, किन्नरों का भी एरिया होता है, वो इलाका होता है, गांव लगा लो शहर लगा लो, तो जो उनके पुरखों से चला आ रहे हैं जित पिछली पीढ़ियों से, तो वो उसी इलाके में जाते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। सरकार से आपकी मांग क्या है और समाज के प्रति आपका क्या कहना है अंतिम? समाज से तो मैं बाद में बात करूंगी, मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट से सवार करूंगी, मैं सीधे तौर पे कहूंगी खट्टर चाचा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो ट्रांस कम्युनिटी को मुख्य धारा में लाने के लिए अच्छी पॉलिसी लाइए, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बाद अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, और जो मूलभूत सुविधाएं आप आम लोगों को दे रहे हैं, 5 किलो आटा नहीं, मूलभूत सुविधाएं, वो इन लोगों को भी दीजिए, इन लोगों ने भी आपको वोट दिया था, ये भी भारत के ही सिटीजन है, भारत के नागरिक हैं, ये पाकिस्तान से नहीं आए, बांग्लादेश से नहीं आए, ये रोहिंग्या नहीं है कि आप सिर्फ ये कह के टाल दोगे कि नहीं भैया ये माइग्रेट होकर के आए हैं। मतलब रोहिंग्याओं से भी बुरा हाल है? रोहिंग्या से ज़्यादा बुरा हाल है, रोहिंग्याओं को कम से कम वोट के लालच में फ़ायदा तो हो जाता है, हमें तो वो भी नहीं मिलता, रोहिंग्या तो बल्कि वोट राजनीति के एक अच्छा खासा मुद्दा है। समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? समाज को मैं सिर्फ इतने कहूँगी कि कुछ मत कीजिए आप किन्नर को सिर्फ जेंडर को नज़रअंदाज कर दीजिए, उनके साथ फ्रेंडली रहिए, बैठिए उनके साथ बात कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर भी एक औरत, एक मर्द, एक इंसान है, जिसे आपने समझा ही नहीं है, जिसे आपने जाना ही नहीं है, उसे जेंडर के तौर पे मत देखिए, उसकी शक्लो सूरत पे मत जाइए, सिर्फ इतना ही है कि सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है,
वो जितना मेरे लिए अहम है उतना आपके लिए। तो कुछ मत कीजिए, किन्नर समाज को सबसे पहले सम्मान दीजिए। तो भाई ये थे मेरे कुछ प्रश्न जो दंत कथाओं से आज तक हम सुनते आए थे, और वो सब भ्रांतियाँ ही थी, बकवास बातें थी। सच बात है यार, नेगेटिविटी बढ़ती है अगर समाज भी उस किसी भी एक व्यक्ति को अगर अलग नज़रिए से देखेगा तो नेगेटिविटी बढ़ती है। और यो जो किन्नर एक इस तरह से रहते हैं वो हमारे ही घरों से निकल के आते हैं, इस बात को आप कब समझेंगे कब नहीं। हम बात करते हैं, एक पॉइंट और हमारा रहा हुआ जी, अब क्या कहना चाहेंगे आप, आपकी किताबें भी आने वाली हैं, बुक भी आने वाली है, बहुत सारी। जुलाई के लास्ट में मेरी किताबें आ रही हैं, एक मेरी किताब एक आत्मकथा आ रही है, कहानी संग्रह आ रहा है, कविता संग्रह आ रहा है, उर्दू अदब के ऊपर मेरी शायरियाँ आ रही हैं, तो चार किताबें मेरी लास्ट में आएंगी। और किताबों का तो समझ लीजिए कि मैं कीड़ा हूँ, आप देख सकते हैं, मुझे किताबें ग्रंथ ये सब पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा एक आखिरी प्रश्न और, कॉलेज में जब आप पढ़े हैं तो जी कोई बॉयफ्रेंड भी रहा है आपका? मैं कैमरे के सामने नाम नहीं लेंगे, चलो नाम मतलब वैसे रहा है, लेकिन लेकिन ये है कि हर किसी के लाइफ में एक स्पेशल पर्सन होता है जिसका जिसका नाम सुन के ना चेहरे पे एक भीनी सी मुस्कुराहट आ जाती है, तो ठीक है सबकी लाइफ में होता है। अच्छा तो फ्लर्ट बाजी आज भी चलती है? अभी तो नहीं, अभी क्यों, अभी क्योंकि बुढ़ापा आ गया? नहीं नहीं अभी मैं किताबों पे अपनी पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ और किताबों पे काम कर रही हूँ, दिन रात लिखना होता है, पढ़ना होता है, फिर रेफरेंस देने होते हैं अलग अलग किताबों से पढ़ के, तो इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं रहता। हाँ लेकिन अगर मौका मिलेगा तो जरूर होगा। अच्छा एक शायरी अगर आप सुनाना चाहें? शायरी नहीं, मैं कविता सुनाऊंगी अपनी। जी जी जी, मैंने ये कविता मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जिनके लिए लिखी है, आप सुनते सुनते आप उसे समझ जाएंगे। भाई बहुत अच्छा लगा, आज मैं यहाँ पर आया और एक कविता सुन लेते हैं। आज फिर शबरी के भाग जगे, आज फिर शबरी के भाग जगे, मेरे राम ने मुझे बुलाया है। आज फिर शबरी के भाग जगे, मेरे राम ने मुझे बुलाया है, मैंने भी काटा था वनवास जो मेरे राम के हिस्से आया है। वो तेरा राम है जो देखता है जाती, वो तेरा राम है जो देखता है जाती, मेरा राम तो कण कण में समाया है। क्योंकि बचपन में हम सुनते थे ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम है जग से न्यारा, और फिर लोगों ने धारणाएं बना ली के फलां लोग मंदिर में नहीं जा सकते, फलां जाति के नहीं जा सकते, भगवान को जातिवाद में बांट दिया, या तो भगवान बांटता इंसान को जातिवाद में, लेकिन इन्होंने इंसानों ने भगवान को जातिवाद में बांट दिया। तो उसी पे ये व्यंग है कि आज फिर शबरी के भाग जगे, मेरे राम ने मुझे बुलाया है, मैंने भी काटा था वनवास जो मेरे राम के हिस्से आया है। वो तेरा राम है जो देखता है जाति, मेरा राम तो कण कण में समाया है। कभी कालिदास कभी तुलसीदास, कभी कालिदास कभी तुलसीदास, हर किसी ने उसको गाया है, किसी ने लिखे ग्रंथ उसी पर कोई मंद मंद मुस्काया है। कभी कालिदास कभी तुलसीदास, हर किसी ने उसको गाया है, किसी ने लिखे ग्रंथ उसी पर कोई मंद मंद मुस्काया है। कभी राम रूप कभी श्याम रूप, कभी राम रूप कभी श्याम रूप, ये सब तो उसकी माया है। वो तेरा राम है जो देखता है जाती, मेरा राम तो कण कण में समाया है। मेरे राम को मैंने लोरी दी, मेरे राम को मैंने लोरी दी, इस गोद में उसे झुलाया है, फिर मैंने बन करके शबरी उसे झूठा बेर खिलाया है। अरे मेरा राम लला तो मासूम सा, मेरा राम लला तो मासूम सा, उसे वाल्मीकि ने पाया है। वो तेरा राम है जो देखता है जाती, मेरा राम तो कण कण में समाया है। अब आखरी, मैं सांवरी मेरा राम सलोना, मैं सांवरी मेरा राम सलोना, सलोना मेरा कृष्ण मुरारी, बैठ सरयू के किनारे जिस केवट की नैया तारी, भाग्य चमक उठे केवट के प्रभु नाव जब की सवारी,
तुम क्या जानो मेरे राम को, तुम क्या जानो मेरे राम को, कहाँ तुम्हारी समझ वो आया है। वो तुम्हारा राम है जो देखता है जाति, मेरा राम तो कण कण में समाया है। क्या बात है। तो जी वो तेरा राम जो देखता है जाति, मेरा राम तो कण कण में समाया है। पूरे हो गए भाई आज, आज मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और कोशिश करेंगे कि हम भी और ये भी मिलके एक धारा में चलें और समाज वही नज़रों से देखे जो अपने भाई, अपने बेटे, अपनी बहन को देखते हैं, और इससे अलग कुछ स्पेशल ना सोचें। स्पेशल सोचने से थोड़ा सा अलग रहता है। तो धन्यवाद जी आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने व्यूवर्स हैं, ख्वातिनो हजरात, सभी का तह दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं, जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय राम जी की भाई।